मेरा नाम जसमीन पटेल है, बेसिकली मेरी मतलब जो आर्टिस्ट है और मेरा भी पहला हिंदी फिल्म है। और तेरा शुक्रिया, मतलब आप पोस्टर देख के बता नहीं पाओगे कि कौन किसको शुक्रिया बोलता है, उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। और जहाँ तक बात रही किसके ऊपर फिल्म आई जा रही है, तो वो थोड़ा डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस फिल्म के अंदर ये दोनों कैरेक्टर के अलावा बहुत सारी चीज़ें बनी हुई है एक दूसरे के साथ। और जनरली ऐसा होता है कि लव स्टोरी मतलब एक कॉलेज में एक लड़का है और कॉलेज की एक लड़की है, ऐसी लव स्टोरीज बहुत सारी है। मैंने भी ऐसी बहुत सारी फिल्म्स की है। इसके अलावा भी और एक लाइफ है और एक दुनिया है, तो उसको बहुत ही प्रिसीजन के साथ इसमें स्क्रीन प्ले के साथ आपको विजुअली दिखाया जाएगा कि और लव स्टोरीज कैसी हो सकती है। और ये एक रियल स्टोरी है जो हमारे जो राइटर है जसपाल सिंह, उनके साथ ये जो घटना है हो चुकी है, तो उसको बेस लेके ये फिल्म पूरा बनाया गया है। इसमें क्या दिखाया था, तेरा शुक्रिया लड़की लड़के को हेल्प करेगी या कुछ थोड़ा सा? जी मैं वही बता रहा हूँ कि वो बहुत सारे लोग को शुक्रिया बोलते हैं, तो वो अभी मैं बता दूंगा तो वो मज़ा नहीं आएगा। लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ कि मेरा जो कैरेक्टर है वो दीपक का है और मैं एक ऑटो ड्राइवर का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, ये रोशनी का कैरेक्टर प्ले कर रही है और प्रोस्टिट्यूट है। बहुत ही ऑड कॉम्बिनेशन है। जनरली एक डॉक्टर की शादी, एक डॉक्टर से प्यार एक डॉक्टर करता है, क्रिकेटर से प्यार एक एक्टर करता है, ये सब कॉम्बिनेशन बहुत है। लेकिन ये एक रियल स्टोरी है और ये कैरेक्टर भी मुंबई में ही रहता है, ये एक बहुत ही अजीब चीज़ मैंने आपको बता दी, इससे ज़्यादा मैं बता नहीं सकता। कितनी तैयारी की है आपने ऑटो ड्राइवर से? फुल ऑन 100%। कुछ तैयारी कर रहे हैं रियल? हाँ, बहुत तैयारी कर रहे हैं। अभी मैं ड्राइविंग के लिए उसकी प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ और मैं कैच भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ और जो भाई साहब है उनको भी मैं मिलूँगा। उनका ले पैसा लगाना बहुत बड़ी बात होती है, कितना रिकवरी का एक सोचा है आपने, इसके बारे में बताएंगे आप? फिल्में पैसों से नहीं बनती, दिल से बनती है। फिल्म बनाने के लिए दिल से ही होता है। दिल तो होता है, कहीं ना कहीं तो लगता ही है। हाँ लगता है, बिल्कुल बिना लगे तो नहीं हो सकता है। कितना कुछ सोचा है आपने, कहाँ कहाँ शूट कर रहे हैं इसका? देखिए एक्चुअल में हम यूपी में शूट करेंगे बहुत सारा पोर्शन, कुछ पोर्शन मुंबई में है। कब से ये नेक्स्ट मंथ? कब तक? 35 ये एज का हमारा इसका। कब तक तो पब्लिक कब तक देख पाएगी? एक मंथ आफ्टर इट। इसके बाद भी कुछ और तैयारी कर रही है? हाँ तैयारी तो बड़ी है, लेकिन वो आने पे टाइम आने पे बताएंगे। इस फिल्म का कुछ यूएसपी बताना चाहेंगे पब्लिक के लिए क्या है? इस फिल्म का यूएसपी ये है कि ये फिल्म ही और इसका टाइटल यूएसपी। बाकी सब सस्पेंस। यस। कास्ट आपने बड़े झुमके लाए, कैसे? अब पूरा कैरेक्टर में दिख रहा है सारे कास्ट जैसे। कैरेक्टर की चॉइस है कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, दोनों ने अपने हिसाब से चॉइस की है, मैं उसमें इंटरफेयर भी नहीं कर सकता, कोई नहीं करेगा। ओके रुक जाए। या फर्स्ट ऑफ ऑल तो हेलो एवरीवन, वी वुड लाइक टू थैंक ऑल यू टीम एंड माय सेल्फ रीनू यादव, आई एम द सीएमडी ऑफ अथर्व कैनस एंटरटेनमेंट। वी आर थ्री पार्टनर्स इन दिस प्रोजेक्ट, मी एंड अपराजिता फिल्म्स एंड ममता सिंह एंड यशपाल, ही इज नॉट वेल he is not attending this meeting. First of all, I would like to tell something. First we met to Mr. Pradeep Yadav suddenly and we discussed on this project and seriously I was very excited to
about this project. It's a story. It's a basically very honest, like it's a love story. It's a something ki kisi ko thoda aage promote karna hai. Like it's a based on beggars bhi. So jo bhi hamare actor hai, Jasmine, he's belong to very poor family. He's a poor fellow. And he's trying to best of best कि मैं कैसे beggars को ये सब चीज़ों से prevent करूँ, रोकूँ और कुछ एक नई ज़िंदगी दूँ, कुछ नया करने के लिए दूँ. तो basically it's a true. And अगर आप कुछ ठान लो तो वो हो भी सकता है. हम लोग कोशिश कर रहे हैं, we are trying to get rid of this beggars society. So everyone should मेहनत करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए. ज़रूरी नहीं है कि ये सब करें. सो इट्स अ मैसेज टू ऑल सोसाइटी. एंड आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड कि समवन इज डूइंग लाइक दिस. दैट्स इट. मैं इंस्पायर इस सब्जेक्ट से इसलिए हूँ कि लव स्टोरी तो है ही, मगर इसमें एक संदेश है, मैसेज है उन लोगों के लिए जो कैमरे को देखो सर, कैमरे को देखो, जो उन लोगों के लिए जो लाचार है, मजबूर है या उनका कोई सहारा नहीं है, उनके लिए भी है और उनके लिए भी है कि जो सक्षम है, मतलब उनके हाथ पांव सब कुछ है मगर फिर भी वो मांगना पसंद करते हैं. मेरा मैसेज ये है कि वो मेहनत करें और अपने पैर पे खड़े हों, आत्मनिर्भर. किस तरह का डायरेक्शन देखने को मिलेगा इसके अंदर आपका? कमर्शियल, वैसे आर्ट विद कमर्शियल. लखनऊ उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पे जैसे एक लोकेशन आपने चुनी होगी? लखनऊ का चुना है, वहाँ पे एक सेट लगवा रहा हूँ बस्ती का, तो वहीं पर पूरी फिल्म हमारी लगभग, बाकी कुछ पोर्शंस हैं मुंबई के. जैसे कि पढ़ते हुए सारे कैरेक्टर एकदम जो किरदार है दिख रहे हैं सारे आर्टिस्ट, ये प्लानिंग कैसे की आप लोगों, क्या सस्पेंस रखा हुआ पब्लिक के लिए? इसके लिए तो थिएटर आना पड़ेगा, इसके लिए तो आपको थिएटर ही आना पड़ेगा. सस्पेंस तो मैं उजागर नहीं कर सकता कि बहुत मेहनत है जो कलाकारों का आपने चयन किया है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मैंने कलाकारों का चयन इसलिए किया कि जो मेरी कहानी स्लम, ये रीति कहानी है स्लम बस्ती को दिखाया, उसके लिए नेचुरल एक्टर मुझे चाहिए, नेचुरल जो वहाँ के लगे कैरेक्टर में फिट हो सके, परफॉर्मेंस हो, परफॉर्मर हो, इस वजह से मैंने. तो इनका चुनाव के कैसे खोज निकाला इनको? बस ये जब फर्स्ट टाइम मुझसे मिली तो मुझे लगा कि डायलॉग में मुझे ऐसी अपनी जो हीरोइन है मेरी वो बोल्ड, उसकी लैंग्वेज बोल्ड, तो इनके बोलने चाले ढंग से मुझे फर्स्ट टाइम ही ऐसा लगा कि ये अच्छा बोल रही है, उस हिसाब से मैं इम्प्रेस हो गया. मैंने कहा कि ऑडिशन में पास हो गए. तो इसमें लड़की का जो किरदार दिखाया गया सिगरेट हाथ में है, हाँ, दारू की बोतल में, तो क्या कुछ बिगड़ा हुआ कैरेक्टर है या कुछ ऐसा? हाँ, ये एक्चुअली बिंदास कैरेक्टर है, बिंदास खर्रा पीती हैं, चलो ठीक है, मगर ये भी एक स्लम एरिया की रहने वाली लड़की है, स्लम एरिया से कॉन्टेक्ट है. और ये मुंबई में तो बहुत सी लड़कियाँ जो अच्छे हैं सब, वो भी सिगरेट पीती हैं. तो पूरी फिल्म में इसका मतलब ऑटो वाला का समझाते समझाते ही पूरी फिल्म में प्यार मोहब्बत से जाता है, प्यार मोहब्बत से सब छोड़. फिल्म में गाने से होंगे, चार गाने हैं, उस तरह संगीत जो है मेलोडी है. सर आप कुछ बोलना चाहें? अब मैं आपका कहना चाहता हूँ, मैं एज अ पार्टनर पूछिए भाई, किस तरह क्या कहना चाहिए फिल्म के बारे में, किस तरह से जुड़े हुए हैं? अच्छी फिल्म बनाने जा रहे हैं, तो आप ये कुछ करना चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, जब करना चाहे, तो नहीं करना चाहे तो फिर उसके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं. इसे अपने लाइफ से जुड़ा हुआ कितना चीज दिखाने वाले हैं, सब पूरी टीम के बारे में क्या कहा, टीम तैयार है? अच्छी टीम है पूरी, आई एम हैप्पी विद द स्टार कास्ट, अवनी एंड जस्मिन दोनों बिल्कुल कैरेक्टर में फिट हैं और टैलेंट के पर ही यहाँ पहुँचने में दिखे हुए हैं सब, तो यही हमारे बिल्कुल ये उसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, एक पी से, तो
तो इनको वहाँ की रंगभूमि सब पता है कि किस टाइप का माहौल रहेगा, कैसा कैरेक्टर होना चाहिए। कुछ शॉट हमने बॉम्बे में भी लिए क्योंकि कैरेक्टर हमारा बॉम्बे में कैसा रहेगा, ऑटो अट्रैक्शन मतलब कहने वाले कि यूपी और मुंबई आपको दोनों चीज़ें देखने को आपको खुलकर यूपी देखने को मिलेगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। आप बॉम्बे के भी शॉट्स ओके मुंबई हो गया ओके थैंक यू रोलिंग वाला है ही नहीं रोल इस फिल्म के बैलेंस जैसे कि आपका लुक दिख रहा है कि इस लुक के लिए आपको रियली में लाइन में कितना एक्सपीरियंस कितना सीखना पड़ा इसके लिए भागवत करना पड़ा। एक्चुअली आप बिलीव नहीं करेंगे कि इतने कम वक्त में पोस्टर शूट हुआ है और इतनी कम टाइम में सारी चीज़ें हुई हैं। ये सारा क्रेडिट मैं अपने सर को दूँगी, ये सब कुछ इनकी वजह से हुआ है क्योंकि जब मैं सेट पे आई तो मैं ऑलरेडी शूट में थी। वहाँ से आने के बाद मुझे सच में मैं ब्लैंक थी, इतना पता था कि बहुत भी शूट करना है लेकिन शायद आधा घंटा या 45 मिनट्स में हमारा पोस्टर शूट कम्प्लीट हो गया। और आई वॉज सरप्राइज कि मुझे थोड़ा सा मैं कॉन्शियस थी क्योंकि मेरा जो कैरेक्टर है बहुत चैलेंजिंग है। इट्स नॉट ईजी टू प्ले लाइक दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर, बहुत डिफिकल्ट होता है स्पेशली मेरे लिए। बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ सर ने प्रॉपरली वर्कशॉप देने के लिए और मैं उनको 100% ये करके मुझे प्रूव करना है क्योंकि इस तरह का कैरेक्टर बहुत ही नया चैलेंज है। मैं अपने आप को एक फर्स्ट मूवी में मुझे इतना अच्छा मतलब किरदार मिला है कि मैं उसको अच्छे से प्रेजेंट करूँ और लोगों के दिल तक। जैसे अभी आपको कुछ और दिख रहे हैं वहाँ पर क्योंकि वो गेटअप दिया गया है, गेटअप के लिए बताया गया था कितना सस्ते मैं जब एक्चुअली सर ने मुझे थोड़ी सी एक ऑडिशन से पहले एक रफली मुझे एक स्टोरी बताया कि इस तरह का ये जब मैंने सुना तो मुझे लगा मुझे कुछ ऐसा ही करना है क्योंकि जब आप नया कुछ कर रहे हो नए इंडस्ट्री में आ रहे हो तो मुझे लगता है आपके पास थोड़ा कुछ अलग कुछ होना चाहिए। मुझे लगा कि कैरेक्टर वो है जो शायद मुझे एक नाम और पहचान दे सकता है। आई वॉज सो एक्साइटेड, मैंने सुनती ही मेरी पूरी स्टोरी नहीं सुनी, मैंने सर को कहा सर मैं कर रही हूँ लेकिन आप मेरा एक ऑडिशन देख लीजिए अगर आपको पसंद क्योंकि मेरे घर कहने से कुछ नहीं होता। उनको सर ने ऑडिशन लिया और मुझे पसंद आ बस कर रहे हैं पूछना है। बॉलीवुड कुछ फेवरेट एक्टर तो पूछना किसको फॉलो कर रहा हूँ कुछ ना कुछ और मेरी साउथ में भी हिंदी आगे के प्रोजेक्ट है सबसे पहले आप ही लोगों को करना चाहिए। थैंक यू राम भाई, बस आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए और हमें फिर हमारी जीत होनी ही है। जो मैसेज पहुंचा सकते हैं वो उसको पहुंचाने वाले एक्चुअली आप ही लोग हैं। इन्विटेशन पर मैं यहाँ पर आया हूँ, उनका मैं फैमिली मेम्बर हूँ और जनरली मैं एक वर्करों का लीडर हूँ और फिल्म इंडस्ट्री में एक प्रभावी यूनियन करके धड़क और फिल्म वर्कर्स यूनियन को देखा जाता है। लगभग 40,000 से ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री में बैक स्टेज पर काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनके लिए मैं लड़ता हूँ, झगड़ता हूँ। और बहुत सी बार ऐसे होता है कि प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए फिल्म को रोकना पड़ता है कि बहुत से प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स कलाकारों को और हाथ पे काम करने वाले लोगों को पैसे नहीं देते। तो मुझे विश्वास है कि दीप्ति जी के माध्यम से जो कलाकार हैं उन लोगों को पैसे टाइम पर मिलेंगे, नहीं मिला तो मैं बैठा और बहुत बहुत अच्छे लोग यहाँ पर है। ममता सिंह जी जो प्रोड्यूसर है वो भी हमें मैं परिचित हूँ उनसे, रेणु यादव और पूरी टीम। मैं सबका नाम मैं पहली बार ही मैं बहुत से लोगों को मिला हूँ, ये मीडिया वाले सब मेरे दोस्त हैं तो वो सब मुझे जानते हैं। और निश्चित तौर पर मैं यहाँ पर दीप्ति जी को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। जब कभी मेरे जैसे कार्यकर्ता की ज़रूरत पड़ेगी तो दीप्ति जी के पीछे महाराष्ट्र में हमारे साथ में जो 5-5.5 लाख वर्कर्स की पूरी टीम उनके पीछे खड़ी रहेगी। और ख़ास करके मैं आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। जनरली फिल्मी ओपनिंग बड़े स्टाइलिश तरीके से होता है, मैं लेट आया होगा शायद इसलिए मुझे देखने नहीं मिला, मगर दीप्ति जी एक क्लीन हार्टेड आदमी है,
बहुत सच्चे दिल का आदमी है, दोस्तों के लिए दोस्त है, और इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, उनकी पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ और बहुत अच्छा काम कीजिएगा, बहुत अच्छा उसमें किरदार जो जो लोगों का है वो अच्छी तरीके से आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए और ये पिक्चर को अच्छे से कामयाबी दे, ऐसा मैं ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। रोल कैमरा, रोल रेडी, रेडी। सर फिल्म का अनाउंसमेंट है तेरा शुक्रिया, और जैसे कि बहना बनाया काफ़ी एकदम अलग हट के लग रहा है फिल्म का लुक, सर क्या ब्लेसिंग देना चाहेंगे पूरी टीम को और क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में सभी लोग प्रोग्रेस करते हैं और दीप्ति जी के माध्यम से यहाँ पर फिल्म का इनॉग्रेशन हो रहा है, जी है और बहुत उनकी पूरी टीम, मैं इनको सबको बेस्ट ऑफ लक और कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। ओपनिंग ये शुरुआत है, आगे हर मोड़ पर स्ट्रगल होता है और स्ट्रगल करते करते आप एक यश के शिखर पर पहुँचते हो। फिल्म का अनाउंसमेंट करना आसान बात है मगर उसे कंप्लीट कर कर उसमें आपको एक यश प्राप्ति मिलना, ये लोगों की चाहत, आप लोगों का काम, ये सब उसमें से दिखेगा। आज पोस्टर पर एक रिक्शा वाला टाटा करते वक्त दिख रहा है, वो सब लोगों को पसंद आएगा, एक अपीलिंग स्टोरी इस माध्यम से आप लोगों को सबको देखने मिलेगी, ऐसी मैं शुभकामनाएं आप सभी पूरी टीम को देता हूँ। अच्छा, आपने कहा आप यूनियन के लीडर भी और रिक्शा वाला टाटा करते दिखाई दे रहा पोस्टर में, लेकिन ऊपर हीरोइन भी बैठी है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप रिक्शे के ऊपर? ये जो थीम है वो थीम आपको प्रोड्यूसर और राइटर बताएंगे, मुझे जो प्रथम दर्शन दिखा वो मैंने आपको बताया। नहीं, ऐसे यूनियन लीडर के हिसाब से पूछ रहा हूँ, मैं तो रिक्शा वालों का भी नेता हूँ इसीलिए पूछ रहा हूँ, लड़की को ऊपर बिठा रखा हीरोइन को, अभी उसमें से क्या मैसेज देना चाहते हैं वो आपको प्रोड्यूसर बताएंगे, डायरेक्टर्स बताएंगे, आर्टिस्ट बताएंगे। अच्छा, इसमें टाइटल भी है तेरा शुक्रिया, तो रिक्शे वाला शुक्रिया कर रहा है या क्या कहना चाहेगा अभी आपका शुक्रिया? नहीं, ऐसा है कि वो रिक्शा वाला टाटा कर रहा है या शुक्रिया, या वो जो हीरोइन है वो रिक्शा वाले को शुक्रिया कर रही है, वो फिल्म देखने के बाद हमें पता चले। जी, कितना हौसला मिल जाता है टीम को जब आप जुड़ते हैं किसी टीम से, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक पूरा समर्थन हो जाता है जब आप भी, ऐसा है कि फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से लोग जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं वो हमेशा मेरे तरफ से उनको एक पॉजिटिव वाइब मिलती है, मैं हमेशा उनको पॉजिटिवली मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ, और जो स्ट्रगलर्स होते हैं वो स्ट्रगलर्स जब अलग अलग महाराष्ट्र और भारत के अलग अलग जगहों से आते हैं तो बहुत से जगहों पर ये आर्टिस्ट उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, और हमेशा हमारी यूनियन, हम और हमारी टीम ये एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ लड़ने का काम करते हैं, और बहुत से ऐसे फिल्मी कलाकार हैं जिनको हमने बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म दिए। आज भारत में जो भी नामचीन जितने भी बड़े ग्रुप है, जी होगा, कलर्स होगा, वहाँ पर हमारी प्रभावी यूनियन है और हमारे यूनियन को एक अलग स्थान दिया गया है, हमारे शब्द, हमारे वर्ड को, हमारे यूनियन के वर्ड को एक अलग मान है, सम्मान है, और निश्चित तौर पर जो अच्छा कलाकार है, जो अच्छा काम करने वाला कोई भी आदमी है, उनको स्थान देने का काम हमारे यूनियन के माध्यम से, हमारी टीम के माध्यम से, हमारे परिवार के माध्यम से हम हमेशा करते आए हैं। आज यहाँ पर मुझे बुलाया, दीप्ति जी के माध्यम से मैं यहाँ पर आया हूँ, निश्चित तौर पर ये फिल्म को कामयाबी देने के लिए हम सब यहाँ पर आए हुए हैं। आप सब मीडिया वाले जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इसको पॉपुलैरिटी देंगे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे, उतना ये ज़्यादा तरक्की करेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। आप एक सोशल वर्कर हैं, उसके बाद भी आपके पास टाइम नहीं रहता है, लेकिन कोई भी फिल्मी इवेंट हो और कोई आपको इनवाइट करता है तो आप ज़रूर आते हैं, इतना लगाव, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कुछ? मूल रूप से मैं ज़मीनी तौर का एक कार्यकर्ता हूँ, ज़मीन पर रहकर काम करना चाहता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में रहता हूँ, और जब बीच में आप लोगों के रहते हो तो आप लोगों को लोगों के पेन समझते हैं,
और फिल्म इंडस्ट्री में काम करते वक्त आदमी एक इसको अपन मराठीत म्हणतो मुखोटा, तो मुखोटा घेऊन जगत असतात. दिसतं काहीतरी वेगळं आणि असतं काहीतरी वेगळं. आणि त्यामुळे जेव्हा माणसं संकटात असतात, जबी आदमी तकलीफ में होते, तो निश्चित तौर पर उन्हें एक पर्याय दिखता है और वो अभिजीत राणे और उसकी युनियन. थैंक यू सो मच. रेडी सर, आज हिंदी फिल्म तेरा शुक्रिया का अनाउंसमेंट हो रहा है, आप भी आए, क्या विश करना चाहेंगे पूरी टीम? मैं दीप्ति भाई को और इनके सारी टीम को दिल से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इस फिल्म की सफलता के लिए ईश्वर से कामना करता हूँ. दीप्ति भाई की ये पहल बहुत कामयाब हो. और अभी हमारे साहब बता रहे थे उन्होंने जो आश्वासन दिया, मैं बहुत आह्लादित हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और मैं दिल से मैं बहुत को बधाई देता हूँ कि फिल्म कामयाबी का परचम फैल जाए, सारे कलाकारों का मान प्रतिष्ठा मिले, यही हमारी शुभकामना. थैंक यू. तो सर, जैसे कि पीछे लुक रहे रिक्शा वाले हैं और एक ऊपर जो है जो हीरोइन उनका एक अलग गेटअप है, तो ये लुक देख करके क्या कहना चाहिए क्या आप? लुक तो बहुत ही अच्छा है, लुक तो बहुत ही अच्छा है. हम लोग भी कार्यकर्ता है, हम लोग भी जमीनी कार्यकर्ता है और ये चीज़ है अलग अलग जमीनी है. रिक्शा वाले के ऊपर नए हेलमेट का पैक कटना एक नयापन है, जिसमें नयापन लग रहा है. मैं कहानी नहीं जानता हूँ लेकिन जो भी है तेरा शुक्रिया, उन्होंने कहा कि शुक्रिया कौन से उसको कर रहा है, उस फिल्म दिख रही बात आप लोग को कौन चलेगा, ऑटो वाले कर रहे हैं या मैं ऊपर से हेलमेट जो है वो कर रही है. तेरा शुक्रिया. जी सर, यहाँ पर पता चला जो है कि इसमें यूपी और मुंबई का संगम दिखाया गया है, तो अब ये है कि यूपी मुंबई को शुक्रिया बोल रहे हैं या ऐसे? ये फिल्म तो बनेगी पूरी हिंदुस्तान के लिए, ये तेरा शुक्रिया है ये पूरे हिंदुस्तान के लिए. इसको किसी पे राज्य में इसको नहीं पा सकते. तेरा शुक्रिया जो है ये पूरे हिंदुस्तान के लिए है और मेरे ख्याल से बहुत अच्छी कोशिश और टाइटल बहुत ही अच्छा मिला है. आज के माहौल पे भी अच्छा लग रहा है, अच्छे माहौल है. हम लोग फिल्म के लोग हैं लेकिन आज के माहौल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. चलो एक अच्छी शुभारम्भ, एक अच्छी मुहूर्त. कितना सपोर्ट मिलेगा आपको आपके रिलीज? हम लोग इतनी भाई के लिए हमारे बहुत बड़े अच्छे मित्रों में हैं, बहुत प्रिय भाई हमारे, हम उनके साथ हैं. जहाँ जहाँ ढूंढेंगे हम उनके पीछे आपको दिख जाएंगे.